नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लर्न विद नरेश पर। छात्रों, आज हम समाजशास्त्र के विचारक संस्थापक अगस्त कांट और साथ ही समाजशास्त्र के अन्य प्रणेताओं के बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र विषय के एक संस्थाकरण विषय के रूप में विकसित करने का कार्य फ्रांस में 19 जनवरी 1798 में जन्मे अगस्त कांट ने किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया। कांट के प्रमुख कार्य इनकी रचनाएं, इनकी पहली रचना है प्रॉस्पेक्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति है पॉजिटिव पॉलिटी। तीसरी कृति है अगस्त कांट की पॉजिटिव फिलॉसफी। चौथी कृति है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। कांट ने प्रत्यक्षवाद पर बहुत अत्यधिक कार्य किया, समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक धरातल पर लाया। दूसरे विचारक हैं जिनको जिन्हें समाजशास्त्र के शैक्षणिक पिता के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस में हुआ था। दुर्खिम महोदय की मृत्यु 15 नवंबर 1917 को हुई थी। दुर्खिम महोदय की प्रमुख रचनाएं हैं द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन का विस्तृत उल्लेख किया। दूसरी कृति है दुर्खिम की रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें दुर्खिम महोदय ने समाजशास्त्र की अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित की, और सर्वप्रथम दुर्खिम महोदय ने ही वैज्ञानिक विधि के माध्यम से समाज को समझने का, अध्ययन करने का सुझाव प्रस्तुत किया। दुर्खिम की तीसरी रचना है सुसाइड। इसमें दुर्खिम ने आत्महत्या का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया और समाजशास्त्र में तुलनात्मक विधि का प्रत्यक्ष प्रयोग किया। और दुर्खिम ने निष्कर्ष दिया कि समाज में आत्महत्या का कारण कोई अन्य मनोवैज्ञानिक या जैविक घटना न होकर आत्महत्या एक सामाजिक घटना है, ऐसा दुर्खिम महोदय ने निष्कर्ष दिया। दुर्खिम की चौथी रचना है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ। इसमें दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधित अपने विचार व्यक्त किए और ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। दुर्खिम की पाँचवीं कृति है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। इनकी छठवीं रचनाएं हैं एजुकेशन मोरल, जिसे मोरल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी सातवीं कृति है सोशलिज्म, जिसमें इन्होंने समाजीकरण संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो यह तो हुए दुर्खिम महोदय के प्रमुख रचनाएं। छात्रों, आगे देखते हैं आगे आने वाले विचारक है कार्ल मार्क्स, जिनको वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता और गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन पर्यंत उद्योग में लगे श्रमिकों का अध्ययन किया, श्रमिकों के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं। सर्वहारा वर्ग का मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं। छात्रों, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 की हुई। मार्क्स की प्रमुख रचनाएं हैं, इनमें इनकी पहली रचना है द पॉजिटिव पावर्टी ऑफ फिलॉसफी। इनकी दूसरी रचना है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट।
इनकी तीसरी रचना है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी चौथी किताब है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कार्ल मार्क्स की पांचवी रचना है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। कार्ल मार्क्स की छठवीं रचना है द सिविल वार। और इनकी कैपिटल है, जो इन तीन वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई। इनकी आठवीं रचना है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। इसमें इन्होंने वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और इनके नौवीं कृति है द गोथा प्रोग्राम। तो ये तो हुए कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं। अगला विचारक है मैक्स वेबर, जिसमें मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में वरिष्ठन पद्धति, एक निर्वचनात्मक शुद्ध बुद्ध का कॉन्सेप्ट दिया वरिष्ठन का। इन्होंने धर्म पर भी अध्ययन किया, पूंजीवाद का अध्ययन किया है। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी में हुआ था। वेबर महोदय की मृत्यु 4 जून 1920 को हुई। छात्रों आगे देखते हैं वेबर की प्रमुख रचनाओं को। वेबर महोदय की पहली रचना है द प्रोटेस्ट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस कृति में वेबर महोदय ने प्रोटेस्ट धर्म के नैतिक आचार और पूंजीवाद में वृद्धि के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। इनकी दूसरी किताब है द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ चाइना। और इनकी तीसरी रचना है द रिलीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी चौथी कृति है एंशिएंट जुडेइज्म, है ना, एंशिएंट जुडेइज्म। वेबर की पांचवी रचना है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, है ना, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इनकी छठवीं रचना है एसेज इन सोशियोलॉजी, ठीक है। वेबर महोदय की सातवीं कृति है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, जिसमें इन्होंने भी पद्धति शास्त्र या समाजशास्त्र में मेथोडोलॉजिकल प्रस्पेक्टिव को दिया है। वेबर महोदय की आठवीं कृति है द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म का समाजशास्त्र, ठीक है। इनकी नौवीं कृति है जर्नल इकोनॉमिक सोसाइटी, जर्नल इकोनॉमिक सोसाइटी, ठीक है। इनकी दसवीं कृति है द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, ठीक है। इनकी ग्यारहवीं कृति है द हिंदू सोशल सिस्टम। अगले विचारक के रूप में टालकॉट पार्सन्स, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं टालकॉट पार्सन्स, है ना। पार्सन्स का जन्म 13 दिसंबर 1902 को अमेरिका में हुआ था। और पार्सन्स महोदय की मृत्यु 8 मई 1989 को हुई थी, है ना। पार्सन्स महोदय पर एक अलग से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। पार्सन्स महोदय की कृतियाँ हैं, इनकी पहली कृति है द सोशल सिस्टम, इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था संबंधी अपने विचार दिए। इनकी दूसरी कृति है सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक सामाजिक व्यवस्था या आधुनिक समाज में व्यवस्था। इनकी तीसरी कृति है अमेरिकन सोसाइटी, अ थ्योरी ऑफ सोशल कम्युनिटी, ठीक है। इनकी चौथी कृति है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। पार्सन्स महोदय की पांचवी रचना है फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। इसमें पार्सन्स ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार व्यक्त किए थे। इनकी छठवीं कृति है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को स्पष्ट करने किया है।
ठीक है। अगले विचारक के रूप में उपस्थित हैं ब्रोनेला मलिनोवस्की, जिन्हें हम विनिमय जिनके विनिमय सिद्धांत समाजशास्त्र में पढ़ने को मिलता है। और मलिनोवस्की ने संरचनावादी के रूप में भी जानते हैं। ब्रोनिस्लो मलिनोवस्की का जन्म 7 अप्रैल 1864 को पोलैंड में हुआ था। मलिनोवस्की महोदय की मृत्यु 16 मई 1942 को हुई थी। मलिनोवस्की की प्रमुख कृति है, इनकी पहली रचनाएं हैं, दी ऑर्गनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। इनकी दूसरी कृति है क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी। मलिनोवस्की की तीसरी रचना है द फादर इन प्रिमिटिव। मलिनोवस्की की चौथी रचना है मैजिक साइंस एंड रिलीजन, जिसमें इन्होंने विज्ञान को अपवित्र तथा जादू को पवित्र कहा। मलिनोवस्की की पांचवी रचना है डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज, इसमें मलिनोवस्की ने संस्कृति का अध्ययन किया था। मलिनोवस्की की छठवीं रचना है अ डायरी इन स्क्रिप्ट सेंस द टर्म, ठीक है, अ डायरी इन द स्क्रिप्ट सेंस द टर्म, ठीक है। मलिनोवस्की की सातवीं रचना है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेस, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इन अदर एसेस। मलिनोवस्की की आठवीं और अंतिम रचना है मैरिज पास्ट एंड प्रेजेंट। अगले समाजशास्त्री विचारक हैं ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, जिसे अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन के नाम से जाना जाता है। ब्राउन महोदय का जन्म 17 मई 1881 को इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1955 को हुई थी। रेडक्लिफ ब्राउन संरचनावादी समाजशास्त्री हैं। ब्राउन महोदय की प्रमुख कृतियों पर अगर प्रकाश डालें तो इनकी पहली रचना है द अंडमान आइसलैंडर्स, दूसरी रचना है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों पर अध्ययन किया था ब्राउन ने। ब्राउन की तीसरी रचना है टेबू द फ्रेचर लेक्चर्स। इनकी चौथी रचना है मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। मूल रूप से ब्राउन मानव शास्त्री हैं, लेकिन समाज शास्त्र पर भी ब्राउन ने कार्य किया है ना। इनकी पांचवी और बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर और इम्पोर्टेंट बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जिसमें इन्होंने आदिम समाज की संरचना और प्रकार पर कार्य किया था। ठीक है छात्रों, अगले विचारक है आर के मर्टन, जिसे हम रॉबर्ट किंग मर्टन के नाम से जानते हैं। मर्टन पर भी और वीडियो बन चुके हैं, यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को देखें। मर्टन महोदय का जन्म 4 अप्रैल 1930 को अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 2003 को हुई थी। मर्टन ने संरचना पर कार्य किया। मूल रूप से हम संरचनावादी समाजशास्त्री, अमेरिकन समाजशास्त्री, और प्रकार्य पर भी कार्य किया है। प्रकार्य का सर्वप्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया था मर्टन ने। ठीक है, इनकी रचना है मर्टन की सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसकी दूसरी रचना है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। इनकी तीसरी रचना है फैक्टर डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस, जिसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म संरचनावाद और प्रकार दोनों पे कार्य किया था। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट के नाम से जानते हैं हम लेवी स्ट्रॉस को, जिनका नाम क्लाउड लेवी स्ट्रॉस है ना।
स्ट्रास महोदय का जन्म 25 नवंबर 1930 को फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 फरवरी 2009 को हुई थी। ठीक है, स्ट्रास महोदय की कृति है, इनकी पहली रचना है मैथ इन मीनिंग, जिसमें इन्होंने मिथ्या पर कार्य किया। इनकी दूसरी रचना है ट्राइस्टस ट्रॉफिक्यूज, है ना, ट्राइस्टस ट्रॉफिक्यूज। इनकी तीसरी रचना है द रॉ एंड द क्यूड। इनकी चौथी रचना है जीलियस पोटर। स्ट्रास महोदय ने नातेदारी पर भी कार्य किया है। और इनकी पांचवी रचना है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इनकी छठवीं रचना है एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इनकी सातवीं रचना है द वे ऑफ द मास्क। इनकी आठवीं रचना है स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी। और स्ट्रास महोदय की अंतिम कृति है द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जी एच मीड, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, मूल रूप से हम इसे अंतःक्रियावादी समाजशास्त्री के नाम से जानते हैं। ब्राउन ने जितना कार्य समाजशास्त्र पर किया है उतना ही कार्य मनोविज्ञान पर भी किया है। मीड का जन्म 27 फरवरी 1863 को अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1931 को हुई थी। मीड की प्रमुख रचनाएं पर अगर हम देखें तो इनकी पहली रचना है टूवर्ड्स ऑफ थ्योरी ऑफ द फिलोसफिकल डिसिप्लिन। ठीक है, इनकी दूसरी रचना है व्हाट सोशल ऑब्जेक्ट मस्ट सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इनकी तीसरी रचना है द सोशल सेल्फ। इनकी चौथी रचना है द नेचर ऑफ द पास्ट। इनकी पांचवी कृति है कैरस लेक्चर। इनकी छठवीं रचना है द फिलोसफी ऑफ द प्रेस। और सर्वाधिक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण इनकी रचना है जो कई बार नेट सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसमें उन्होंने अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया जिसे हम समाजीकरण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इनकी आठवीं रचना है द फिलोसफी ऑफ द एक्ट। ठीक है, कार्ल माइनहेम अगले विचारक के रूप में हमारे आने वाले हैं। कार्ल माइनहेम जिसने जिनके प्रमुख कार्य ज्ञान का समाजशास्त्र पर था, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। कार्ल माइनहेम महोदय का जन्म 27 मार्च 1893 को हंगरी में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 फरवरी 1947 की हुई थी। माइनहेम महोदय की प्रमुख रचनाएं स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग। इनकी दूसरी रचना है कंजर्वेटिज्म अ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, इनकी तीसरी रचना है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। इनकी चौथी कृति है सोशियोलॉजी एज पॉलिटिकल एजुकेशन। माइनहेम महोदय की महत्वपूर्ण कृति जो पांचवें क्रम में आने वाली है मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। और इनकी छठवीं कृति है फ्रॉम कार्ल माइनहेम। ठीक है, अल्फ्रेड सुड्ज ने ब्लूमर के अंतःक्रिया संबंधी सिद्धांत में संशोधन करके प्रघटना या फिनोमेनोलॉजी को सोशियोलॉजी में स्थापित करने का कार्य किया है। अंतःक्रिया पर संशोधन करके एक नया सिद्धांत दिया जिसे प्रघटना शास्त्र के नाम से जाना जाता है। समाज को समझने के लिए सुड्ज ने प्रघटना शास्त्र का प्रतिपादन किया, एक मेथड दी। सुड्ज का जन्म 27 मार्च 1899 को जर्मन में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1956 को हुई थी, है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। इनकी पहली रचना है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है और इम्पॉर्टेंट कृति है ना। इनकी दूसरी रचना है रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेवेंस। इनकी तीसरी कृति है कलेक्टेड पेपर्स ना, जो 3 वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुई। और इनकी चौथी और अंतिम रचना है द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, जिसमें इन्होंने लाइकमैन के साथ मिलकर कार्य किया था। ठीक है, अगले विचारक है हेराल्ड गनफिंकल।
गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी लोक विधि विज्ञान को समाजशास्त्र में विकसित किया, स्थापित किया। गारफिंकल महोदय का जन्म 29 अक्टूबर 1917 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2011 को हुई थी। इनकी पहली रचना है गारफिंकल की टूवर्ड सोशोलॉजी थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इनकी दूसरी रचना है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। गारफिंकल की तीसरी रचना है सिंग सोशोलॉजिकल द रूटीन ग्राउंड ऑफ सोशल एक्शन। इनकी चौथी रचना है सोशोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सोशोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन। सामाजिक विचारकों के इस क्रम में एक और विचारक के बारे में जानेंगे जिनका नाम है इरविंग गोफमैन। इरविंग गोफमैन ने ड्रामाटर्जी पर बहुत सारे कार्य किए। ये भी अंतःक्रियावादी है। ये हर्बर्ट ब्लूमर के शिष्य थे, है ना। मेट का जन्म 11 जून 1922 को कनाडा में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1982 को हुई थी। गोफमैन ने अपने अंतःक्रियावादी सिद्धांत में फ्रंट और बैक की अवधारणा दिया था, है ना। फ्रंट और बैक की अवधारणा, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए गोफमैन की रचनाओं को देखते हैं। इनकी पहली रचना है कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइसलैंड कम्युनिटी। ठीक है, और इनकी दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ इनकी तीसरी कृति है अस लाइम्स। और इनकी चौथी रचना है इनकाउंटर्स। इनकी पांचवी कृति है गोफमैन की बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस। गोफमैन की छठवीं रचना है रिलेशन इन पब्लिक। और इनकी सातवीं कृति है स्टिग्मा। आठवीं कृति है इंस्ट्रक्शन रिचुअल्स। और इनकी नौवीं कृति है फ्रेम एनालिसिस। इसी प्रकार से दसवीं और अंतिम कृति है जेंडर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पेरेटो विल्फ्रेडो फ्रेडरिक डामोसो पेरेटो का जन्म 15 जुलाई 1848 को फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 अगस्त 1923 को हुई थी। पेरेटो ने सामाजिक क्रिया पर, जिसमें इन्होंने क्रिया को तार्किक और अतार्किक दो भागों में बांटा, और इनके अवशेष या प्रतीत्ववाद और भ्रांत तर्क की अवधारणा, इनके अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये भी समाजशास्त्र के प्रणेताओं में से हैं विल्फ्रेडो पेरेटो। पेरेटो की प्रमुख रचनाएं, जिसमें पहला क्रम है कोर्स दी इकोनॉमी पॉलिटिक्स। इनकी चौथी रचना है ट्रिटाइज ऑन द जर्नल सोशियोलॉजी। इसी को माइंड इन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, है ना। मैनुअल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। तो छात्रों, विचारकों के इस क्रम में यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।